तीसरे चौथे में से बता दो लगा के नारे है खुदाए पाक से हम ये सच है मीसमी जज्बात मांग लेते हैं खुदाए पाक का हम शुक्रिया अदा करके अली के दर से ही खैरात मांग लेते हैं खुदाए पाक का हम शुक्रिया अदा करके अली के दर से ही खैरात मांग लेते हैं और माल का हमारी जनाब से जनाब सकीना सलाम अल्लाह के हवाले से देखेंगे मगर बात जहाँ जाता देंगे अलम हुसैन के बाकी का जब निकलता है महसूस करिएगा इंशाल्लाह अलम हुसैन के बाकी का जब निकलता है जो बाग नस्ले हैं सारी सलाम कर दी तीसरे चौथे विषय को महसूस कीजिएगा कि हमारे दिल में क्या चीज है कि अलम हुसैन के गाजी का जब निकलता है जो पाक नस्ले हैं सारी सलाम करती हैं यकीन आए कले का निकाल कर दे तो यहाँ जनाब सकीना क्याम कर यकीन आए कले या निकाल कर दे यकीन आए कले या निकाल कर दे तो यहाँ जनाब सकीना क्याम करती है पंजे हैं इसको नजर करने की कोशिश की है कि करबला के मैदान में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जब आवाज़ें सलाम माने आका ने जब सलाम किया कि आका आपको मेरा आखिरी सलाम मौला अब्बास ने सलाम किया है और मौला हुसैन जब करबला के मैदान में चले हैं तो तारीख में मुखातिब यही लिखा हुआ है कि दो बात उठाए जब आपके दामन में था और अलग तो सबक हो गया था अलग उठा कर ये जनाब अली अकबर के हाथों में दिया और इधर आका हुसैन थे मौला अब्बास ने मुसय्यद कर दिया आका वे लाशें को कैमरे में लेकर अब अबा के दामन में मौला अब्बास को जो बाजू है और जनाब अली अकबर के हाथों में अलम है अब क्या कहते हुए मौला अब्बास से मौला हुसैन चले हैं बसरात वाले मोहम्मद वाले और कीजिएगा मौला अब्बास से मौला हुसैन कहते हुए हैं कि वो वक्त भी आएगा बहुत जल्द बिरादर वो वक्त भी आएगा बहुत जल्द बिरादर वल्लाह हर एक घर हमेशा तेरे लगेगा वो वक्त भी आएगा बहुत जल्द बिरादर वो वक्त भी आएगा बहुत जल्द बिरादर वल्लाह हर एक घर पे हमेशा तेरे लगेंगे मख्तल से उठा रहे हैं शब्बीर ये जहर बाकी ये तेरे बाबा के मिंबर पे सजेंगे मख्तल से उठा रहे हैं शब्बीर ये जहर हम लोग रोते रोते रहते हैं और ये रात नौ की रात हो जाती है शब जाती है तो हम जश्न मनाने लगते हैं जबकि हमारे साथ हमारी शहजादी हमारे अंदर शामिल है अक्सर लखनऊ में तमाम लोगों को देखिएगा कि आज की रात जो होती है शबे नौ ये कमों में हमारा गुजर जाती है लेकिन हम खुशी मनाते हैं उसी काले लिबास में ही हम मीरे जहरा के शगुन अपने एक आवाज़ लगा देते हैं तो ये बताइए जो शहजादी हमारे साथ में थी अब तक हमने जो अश्क लगाम हुसैन सलाम दिया हमको रुमान में उसकी कैफियत क्या है जबकि शहजादी हमारे साथ ईद जहरा में शामिल हो गई तो इसकी कैफियत क्या है तो खास देखेंगे कि दर अली पे किया मैंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अलग किस कैफियत है और ये फिक्र देखिएगा बहुत खास कि शहजादी के हाथ में जो रुमान है उसमें हमारे अश्क अदा है अभी हमने खुशी मनाया शहजादी शामिल हो गई इसकी कैफियत क्या है कि दर अली पे किया मैंने सजदे तादीम दर अली पे किया मैंने सजदे तादीम मेरे नसीब के जुगनू जगमगाने लगे दर अली पे किया मैंने सजदे तादीम खास हो जाए दर